सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन में। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के सॉल्व असाइनमेंट 20-21 तक के लिए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp कीजिए, WhatsApp नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अदरवाइज जब मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊं तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने सॉल्व असाइनमेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जब आप इंस्ट्रक्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि किस अकॉर्डिंग से आपको जो असाइनमेंट है वो बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको आपके असाइनमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि कोर्स कोड क्या है, ठीक है। तो कोर्स कोड है आपका MSO 003 एंड पेपर नेम है आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द सेक्शन। तो यहाँ पे आपके जो असाइनमेंट है वो देखिए 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 फ्रॉम ईच ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि आपको इनमें से 5 क्वेश्चन के आंसर ही आपको लिखने हैं, 5 क्वेश्चन को ही आपको अटैम्प्ट करना है, और एटलीस्ट आपको एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ही करना है। जैसे कि आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में से आपने 2 क्वेश्चन ले लिए, एंड देन सेकेंड में से आपने 3 क्वेश्चन ले लिए, तो ऐसे आपके क्या हो गए, टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपको ऐसे अटैम्प्ट करने हैं। एंड देन लास्ट जो आपका नोट है वो है, योर आंसर शुड बी इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। यानी कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर 500 वर्ड्स में देने हैं। अब आपको देने कैसे आंसर, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, जब आप उसका आंसर लिखें, ये आपको याद रखना है, जो भी आप क्वेश्चन ले रहे हैं आपको उसको केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते हैं और उसका गलत जो टॉपिक होता है वो लिख देते हैं, जिससे आपके आपके असाइनमेंट में और आपके एग्जाम में भी मार्क्स कट सकते हैं। तो स्पेशली आप अपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखें। एंड सेकेंड, आपको जब आप इसका आंसर लिखेंगे आपको कंटेंट वाइज अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो आपके असाइनमेंट हो चाहे वो आपके एग्जाम हो, आपको कंटेंट वाइज ही अपने आंसर को आपको लिखना पड़ता है। तो अगर आप यहीं से असाइनमेंट में कोशिश करेंगे कि कैसे हमें अपने कंटेंट को बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहीं से आप अपने कंटेंट बनाना सीखें और अपने एग्ज़ाम में भी आप कंटेंट वाइज अपने आंसर को लिखें। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आपको देखने को मिलेगा। अब एक एक करके मैं आपको ये जो सेक्शंस के जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, तो सेक्शन 1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन आंसर्स को लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, यहाँ से आपका सेक्शन 2 आपका स्टार्ट होता है जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 7,
सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपके जो असाइनमेंट हैं वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको इन असाइनमेंट को नोट डाउन करना है तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इन असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कवर करा MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के फ्री सॉल्व असाइनमेंट बेसिक इस तक के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।